हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, मतलब जस्ट मॉर्निंग नहीं है, सुबह खाना ना बना लिया है, फिर उसके बाद का है। और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा घर पे, और साथ ही साथ में मैं कपड़े भी धुलती जा रही हूँ, क्योंकि इधर मशीन को लगा दिया तो इधर कपड़े धुलते गए, फिर पोछा मैंने लगा लिया, फिर जैसे थोड़ा पोछा लगा फिर मैंने सोचा कपड़े निकाल के सुखा देते हैं, तो एक साथ दो काम हो गए तो मेरा काम जल्दी हो गया। तो अभी आप लोग जो ये वाली क्लिप देख रहे हैं, जो ये दो बिल्लियाँ बैठी हैं, ये मैं गई थी अपनी बुआ के घर, तो वहाँ पे थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है मैंने, क्योंकि जब किसी रीज़न से जाओ फिर वहाँ वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई रीज़न दूसरा शादी का होता है तो दूसरा लगता है, लेकिन ये शादी का माहौल था नहीं कि वहाँ मैं सबके वीडियो बनाऊँ। तो मैंने सिर्फ यही जो ये बिल्लियाँ थी मुझे अच्छी लगी, उनके घर पे रहती हैं, घरेलू जैसे एक फैमिली मेम्बर रहते हैं, जैसे बच्चे रहते हैं वैसे ही ये लोग उनके घर पे भी रहते हैं, हम ऐसा ही बहुत दिनों से, बहुत सालों से रह रही हैं इनके घर पे, तो इन लोगों से लगाव भी है, इनसे बिल्लियों से बहुत, तो फिर मैंने इनका बना लिया। ये लोग ना बिस्तर में सोती भी हैं, ऐसा नहीं कि इन लोग के लिए दूसरा बिस्तर या कहीं ऐसे कमरा नहीं, ये इसी रजाई के अंदर एक इसमें सो जाएगी और एक दूसरे लोग के पास सो जाती है, तो हमेशा ये सोती है ऐसे, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसका कैप्चर कर लिया। और देखो ये सीन मेरी वहीं की है, मैंने थोड़ा सा अपना बना लिया था। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे भैया के है बुखार, तो मैं वही उसको दवा खिलाने के लिए, शगुन जो है कुछ खिला रही थी कि खा ले फिर उसको दवा खाना है, तो वही मैं फिर थोड़ा सा बनाने लगी, तो फिर उसको पसंद नहीं था, कह रहा था मेरे बुखार है मत बनाओ मेरा। तो फ्रेंड्स अभी मैं गई थी अपनी बुआ के घर, और जब मैं वहाँ से वापस आई तो भैया के बुखार था, मतलब पहले ही था लेकिन मैं छोड़ के चली गई थी, फिर आई तो और बुखार लगा, तो मैंने सोचा फिर इसको दवा खिला देते हैं, तो वही पानी में गर्म कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैंने भैया को दवा खिला दिया है, और जब मैं वहाँ से वापस आई तो लेट हो गया था थोड़ा, तो अभी खाना भी बनाना है, तो मैंने सोचा जल्दी से दाल चढ़ा देते हैं और एक साथ सारे काम कर लेंगे, जल्दी जल्दी मतलब सारे काम निपटा लेंगे, तो वही मैंने दाल चढ़ा दिया है। और फिर अभी जो है भैया, जैसे किसी के बुखार रहता है तो उसके पास भी जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, क्योंकि ज़िद्दी है वो, तो हमेशा ही कहता है मेरे पास बैठो, तो फिर बैठना ही पड़ता है, तो वही मैंने यहाँ पर जल्दी से दाल वाल चढ़ा के, फिर जो है सुबह के लिए मेरे यहाँ पीसी नहीं थी धनिया, तो मैंने कहा अभी इसी समय मैं धनिया को भी पीस लेती हूँ, क्योंकि सही रहेगा, तो वो थोड़ा मतलब सूखी नहीं थी ना, धूप में डाले नहीं थे, तो मैंने कहा थोड़ा आग में जो गर्म कर लेंगे तो जल्दी पीस जाएगी, तो वही मैं निकाल के जो है अभी थोड़ा गर्म कर लूँगी और फिर मिक्सी में पीस के रख देंगे, तो सुबह आराम, सुबह के लिए मतलब आराम रहता है, नहीं तो शाम को मैं अधिकतर सारा काम कर लेती हूँ, सुबह ज़्यादा काम होता है, अधिकतर सभी के घरों में ज़्यादा जल्दी सारा काम सुबह ही होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये भी काम ख़त्म कर लेंगे। तो ये देखो धनिया जो है मैं अब इसको भून लूँगी, और भूनने के बाद जो है मिक्सी में पीस लेंगे। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग।
और अभी जो है मॉर्निंग का टाइम ही है, अभी 8 बजे होंगे, जल्दी उठ गए थे। ऐसे थोड़ा थोड़ा लेट हो जाता है, जल्दी उठे तो जल्दी काम ख़त्म हो गया, मतलब मेरा पूरा काम ख़त्म हो चुका है घर का, तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ, काम कोई नहीं करना, तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर ली। तो आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और मैं क्या बताऊँ, कल मैं कहीं गई थी, वहाँ की मैंने पूरी क्लिप आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि कभी कोई ऐसा रीज़न होता है कि मतलब किसी को नहीं पसंद, पसंद की बात तो दूसरी ही है, जैसे किसी को देखने जाओ फिर उस समय कैमरा उठाओ तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा सा ही क्लिप आप लोग देखे होंगे, बिल्ली वाली वो वाली सीन जो थी आप लोगों ने देखी होगी। तो अभी मैं जाती हूँ, अभी मैं आप लोगों को ले चलती हूँ छत पर, और आज है मेरा फास्ट, आप लोग को पता ही है मेरा व्रत है। और अब मैं चलती हूँ, जो नीचे गमले रखे हैं डिब्बे, यानी कि डिब्बे में जिसमें मैंने मतलब फूल पौधे लगाए हैं, वो वाले मैं छत पे चढ़ा दूँगी, और छत पे रख देंगे वही, क्योंकि वो इतने ज़्यादा खा गए हैं, उसमें कुछ भी फूल नहीं बचे, थोड़े बहुत फूल बचे हैं, सारे खा लिए हैं, तो इससे बढ़िया कि मैं छत ही पे रख दूँ। तो अभी मैं चलती हूँ और गमले ले चलती हूँ, और चलते हैं छत पर, आप लोगों को छत का नज़ारा दिखाएँगे, क्योंकि धूप हो रही है अच्छी, तो वहाँ घूमना भी अच्छा लगता है। अभी मैं चलती हूँ। तो ये देखिए, मैं नीचे से सारे गमले मतलब छत पे लेके आ गई हूँ, अब मतलब ला रही हूँ, ये देखिए सारे मैं छत पे रख देती हूँ, क्योंकि नीचे जो है आते हैं जानवर बहुत सारे, मतलब तो वो ना बर्बाद कर देते हैं पूरे फूल, खा जाते हैं, तो इसी वजह से मैंने कहा छत पे रहेंगे तो कोई जानवर मतलब उनका नुकसान भी नहीं करेंगे फूलों का, तो इसीलिए मैं छत पे लेके आ गई। और आज आप लोगों ने मेरी छत भी देख ली है, मैंने अपनी छत का भी टूर आप लोगों को करा दिया है अभी, तो देख लीजिए आप लोग भी कितना प्यारा लग रहा है, और छत पर जो है ज़्यादा जगह है तो अच्छा भी लगता है। आप लोगों ने देख लिया होगा, छत पे मैं पूरा सही करके आ गई हूँ, मतलब जो यहाँ नीचे डिब्बे पूरे खा जाते थे, जो फूल लगे थे जिसमें जानवर खा जाते थे, हम लोगों ने छत पे रख दिए, आप लोगों ने देखा ही होगा। और आज मैंने पूरी अपनी छत भी दिखा दी आप लोगों को, और अपना आंगन भी दिखा दिया, मतलब आधे आंगन में मैंने गमले रख दिए, आधे में टीन रखी, आप लोगों ने देखा ही होगा। और इधर शगुन कर रही है, वो उसका कमरा पूरा गंदा पड़ा हुआ है तो उसको सही कर रही है, मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ सेब बच्चों के लिए, क्योंकि तबीयत ख़राब है, आप लोग को पता ही होगा भैया की तो तबीयत ख़राब है, और ये देख लेना खाते खाते इतनी ज़्यादा एक्टिंग करता है कि आप ही लोग देख के ही समझ जाएंगे कि ये कितना एक्टिंग बाज है। तो आप लोग देखिए इसकी एक्टिंग, और अभी मैं लगा देती हूँ म्यूज़िक। तो अभी आप लोगों ने अभी की एक्टिंग देख ही ली होगी, कितना ज़्यादा एक्टिंग बाज है आप लोग को पता ही होगा, और अभी ये आप लोगों को भी हैरान करेगा कि कैसे ये क्या करता है। जब मैंने मतलब ये वॉइस ओवर कर रही थी तो मैंने तभी देखा था कि ये एक एप्पल का टुकड़ा उठाता है और वो कैमरे के सामने लेके आएगा, वो मतलब कैमरे के सामने उसको लेके आएगा और फिर कैमरा बंद कर देता है और फिर आधा खा लेता है, फिर उसमें वो ऐसे हैरानी से देखता है कि पता नहीं किसने उसका एप्पल का टुकड़ा जो है खा लिया है, कम हो जाता है जबकि खाया उसी ने है, ऐसी हरकतें करता है
जब मैंने देखा तो मैंने कहा इसको डाल देते हैं और आप लोग भी देख लीजिएगा कि ये कैसा है, क्या क्या करता रहता है। हम लोग तो हमेशा ही देखते रहते हैं इसको क्या क्या एक्टिंग करता है। तो ये है एकदम एक्टिंग का कीड़ा, एक्टिंग मतलब ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, एक्टिंग का कीड़ा, एक्टिंग करता रहता है तो एक्टिंग का कीड़ा ही हुआ। और यहाँ पे जो है शगुन जो है अपने और अपने भाई के कपड़े जो दोनों अलग अलग डिब्बों में रख रही है और सभी डिब्बों में नाम लिख दे रही है कि ये मेरे भाई का है और ये इसका है। तो अभी मैं लगा देती हूँ म्यूज़िक। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।